जनपद में होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सभी ब्लॉकों पर आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के 20 विकास खंडों पर 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना कर नए ब्लॉक प्रमुखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत 6 जुलाई से ही प्रत्याशी अपने नामांकन पत्रों को खरीद सकते हैं, जिसका दाखिला 8 जुलाई को किया जाएगा और 10 जुलाई को मतदान और मतगणना की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, संजय यादव साहब दिखे तो अच्छा, सौरभ पांडे अच्छा आपने मान्यता आ गया है, सबको सभी को मिल गया है, ठीक है। ये बहुत 8-9-10 में ही आपको प्रोग्राम मिल गया कि एआरओ आप हुए? एआरओ मतलब जो इसमें जिसके पास अगर किसी व्यक्ति के पास फॉर्म होता है नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ। ब्लॉक प्रमुख की अधिसूचना माननीय जिलाधिकारी महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के द्वारा जारी कर दी गई है और सभी एआरओ ने अपना चार्ज ग्रहण कर लिया है। एक संक्षिप्त सा उनका प्रशिक्षण था, वो प्रशिक्षण भी उनको दे दिया गया है और ये सभी ब्लॉक में 11 से 3 के बीच उपलब्ध रहेंगे। जिसको नामांकन फॉर्म क्रय करना है वो 11 से 3 के बीच में जाके फॉर्म क्रय कर सकता है। सर, आज से प्रक्रिया शुरू हो गई? प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है, फॉर्म आज भी कोई लेना चाहे तो आज भी ले सकता है। मतदान 10 तारीख को होना है, 8 को नामांकन है, 9 को नाम वापसी है और 10 को मतदान होगा, वहाँ पर जहाँ पर एक से अधिक कैंडिडेट होंगे। अच्छा,